अस्सलाम वालेकुम, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। एज़ यू गाइज आर वेल अवेयर अबाउट द फैक्ट दैट वी आर डिस्कसिंग थीम 7 थ्री ऑर्डर्स एंड विद इन दीज थ्री ऑर्डर्स वी हैव डिस्कस्ड द फर्स्ट थ्री ऑर्डर्स एंड आफ्टर दैट वी डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोशल एंड इकोनॉमिक रिलेशंस। आज जो हम देखने जा रहे हैं कि न्यू टेक एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज जो हमने कल डिस्कस की थी, जैसे आप रिकॉल करके, जैसे हम एक बार फिर रिकॉल करेंगे उन चीज़ों को, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ में हमने क्या क्या देखा था। सबसे पहली चीज़ जो हमने देखी थी उसमें वी डिस्कस्ड अबाउट द न्यू हैवी आयरन टिप्ड प्लगशियर एंड मोल्ड बोर्ड्स। आफ्टर दैट वी सी द चेंज इन द पैटर्न ऑफ क्रॉप रोटेशन वॉज ऑल्सो दियर, और उसकी वजह से भी जो प्रोडक्शन थी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है। तो ये सब चीज़ें जो थी इसमें हमने देखा कि इसका एक इम्पैक्ट पड़ा है सोसाइटी पर, और इस इम्पैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि जो फूड प्रोडक्शन थी वो एबंडेंस में हमें मिलती है, फूड प्रोडक्शन का इंक्रीज हो जाता है यहाँ पर। और उसमें हमने चेंज इन द एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी और जो हमारी दूसरी टेक्नोलॉजीज़ उन्होंने डेवलप की थी, जैसे विंड एनर्जी का और वाटर एनर्जी थी, उसका भी जो इस्तेमाल है एबंडेंस में होना स्टार्ट हुआ यहाँ पर। नाउ कल का जो लेक्चर था उसमें हमने ये चीज़ें ट्रेस की है कि फैक्टर्स कौन से थे जो अफेक्ट कर रहे थे उस वक्त का जो सोशल सेटअप एंड इकोनॉमिक सेटअप था उसको कौन सी चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही थी। तो अब उसका क्या इम्पैक्ट रहा है सोसाइटी पर उन चीज़ों का, जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ है, जो फूड प्रोडक्शन का इंक्रीज होना है और जो है सोसाइटी में एक ड्रास्टिक चेंज आ रही है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है सोसाइटी पर, मोर पर्टिकुलरली ऑन फ्यूडलिज्म इट्सेल्फ। अब फ्यूडलिज्म को हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर बिकॉज जो हमें थ्री ऑर्डर्स देख रहे हैं 9th century में, इसमें बेसिकली एक फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी थी। नाउ देयर इज़ अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन योर सिलेबस ऑल्सो कि डिबेट ऑन द डिक्लाइन ऑफ द फ्यूडलिज्म, डिक्लाइन पे हमें डिबेट करना है कि फ्यूडलिज्म के कौन से रीजंस रिस्पॉन्सिबल है जो फ्यूडलिज्म में डिक्लाइन लाते हैं। तो वी आर बेसिकली ट्रेसिंग द डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म एज वेल इन द सब्सिक्वेंट लेक्चर्स। आज भी आप देख रहे हो, आज भी हम एक दो रीजन जो है इसी में डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म जो है उसमें भी आएंगे, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है हम इसमें देखेंगे जो कल हमने चेंजेस देखी है सोसाइटी में आ रही हैं उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है सोसाइटी पर। नाउ अगर हम सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमने यहाँ पर देखा इम्पैक्ट ऑफ न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, तो वहाँ पर हम देखते हैं सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो था, जो एक कॉमन चीज़ हमें समझ आ सकती है कि क्या हो सकता है, वो ये है कि इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं इमीडिएट इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ फूड। तो सबसे पहला इम्पैक्ट जो है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ की वजह से या जो इनोवेशंस जो उन्होंने लाई है एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसमें सबसे पहला जो है आउटकम उसका जो निकला है, तो जो अमाउंट ऑफ फूड इससे पहले निकल रहा था वो डबल हो गया, तो वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। इसमें जो एक और चीज़ है जो आपको यहाँ समझनी है वो है कि जो उसके उनके पास जो लैंड था, वो लैंड जो था उसमें जो इससे पहले अगर हम कहेंगे 10 क्विंटल्स निकलते थे, अब वही जो है डबल होने लगे हैं, अब 20 क्विंटल्स उसमें से निकल रहे हैं। तो इसका जो है इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ा है सोसाइटी पर। सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इनकी हेल्थ पर भी जो असर पड़ रहा है वो ये है कि इन्होंने वो क्रॉप्स ग्रो करने स्टार्ट किए विच वेर रिच इन प्रोटीन और अदर कार्बोहाइड्रेट्स और अदर जो है मिनरल रिच होते थे, उनको अब ग्रो करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पर हम देखते हैं यूजुअली जो इससे पहले जो हम भी कश्मीर में ही ये कहते हैं ना, यूजुअली कश्मीर में पहले पहले जो लोग होते थे उनको खाने के लिए जो हम चावल आज खाते हैं, स्टेपल राइस जो हमारा राइस है वो आज हम खाते, पहले पहले कहा जाता है वो अमीर समझा जाता था जिसके पास राइस खाने को हो, जो शाम को राइस के साथ कुछ उसको जो सालन वगैरह हो उसके साथ खाए वो अमीर समझा जाता था, वो वेल ऑफ समझा जाता था उस टाइम पे। तो आप कश्मीर की हालत को कंसिडर कर सकते हो, बैक इन 1940s 1950s की बात कर रहा हूँ मैं, तो वहाँ पर ऐसे हालात थे यहाँ पर।
तो इसी हम बात कर रहे हैं मिडिवल यूरोप में 9th-10th century की। तो वहाँ पर भी यही था कि आपको जो मिल रहा है खाने को आप वो खा रहे थे, और आप जो है यूजुअली जो है आपको जो वो वाले क्रॉप्स मिलते थे जो बस आपको ज़िंदा रखने के लिए काफ़ी होते थे, बाकी आपकी ग्रोथ आपका जो डाइट सिस्टम है उसमें उनका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन उतना नहीं रहा। नाउ या हम देखते जब प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो गई, एग्रीकल्चर की जो या लैंड की जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज़ होगी, उस वजह से हम देखते हैं यहाँ पर उन्होंने कुछ क्रॉप्स ग्रो करने स्टार्ट किए, लाइक द ग्रेटर यूज ऑफ प्लांट्स लाइक पीज एंड बीन्स विच वेर रिच इन प्रोटीन। ठीक है, इन क्रॉप्स का यहाँ पर ग्रोथ जो है इनकी ग्रोथ या इनका एग्रीकल्चर या इनकी प्रोडक्शन यहाँ पर ज़्यादा स्टार्ट हो गई। तो सेकंड यहाँ पर हम देखते हैं इनका स्टार्ट होना। थर्ड इज़ बेटर सोर्स ऑफ वाटर फॉर देयर एनिमल्स। तो दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट व्हेन वी टॉक ऑफ द पेस्टोरलिस्ट सोसाइटी। तो वहाँ पर जो थी, तो इनको हम देखते हैं ये जो इनकी पेस्टोरल सोसाइटी थी या जो खुद लोग थे इनमें जो जो मवेशी रखते थे जिनके पास ये जो हर्डर्स होते थे, तो उनके पास भी एक अच्छा सा एक सोर्स ऑफ वाटर बन जाता था जो वो मवेशियों को चारा मवेशियों के लिए चारा जो बनता था वो जो मवेशियों को देते थे। उसकी वजह से क्या हुआ था, उसकी वजह से भी जो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एनिमल जो है वो भी इंक्रीज हो गए। तो जो आप अब इकोनॉमिक सेटअप में देख रहे हो, जो इनकी इनकम है, जो इससे पहले इनकम जो थी बहुत कम थी, अब वो इनकम जो है इंक्रीज हो रही है। ये किस वजह से हो रहा है हम देख रहे हैं 11th सेंचुरी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं व्हेन इट कम्स टू द एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी और इन द एनवायरमेंटल सेक्टर। तो ये तीन चीज़ें हमने यहाँ पर देखी है जो इमीडिएट इम्पैक्ट या इमीडिएट आउटकम थे किनके, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ के। वन इज़ इमीडिएट इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ फूड, सेकंड ग्रेटर यूज़ ऑफ प्लांट्स लाइक पीज एंड बीन्स विच वेर रिच इन द प्रोटीन, एंड थर्ड बेटर सोर्स ऑफ फॉडर फॉर देयर एनिमल्स। नाउ अपार्ट फ्रॉम इट वी सी यहाँ पर कुछ चीज़ें और है जो हमें यहाँ पर समझनी है। जैसे हम देखते हैं फ्यूडलिज्म की बात चल रही है यहाँ पर, कि फ्यूडलिज्म जो उस वक़्त सोसाइटी में था, उस वक़्त की सोसाइटी उस हिसाब से जो चल रही थी वहाँ पर, इस चेंज की वजह से फ्यूडलिज्म पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। नाउ इन 11th सेंचुरी व्हाट वी विटनेस दैट द पर्सनल बॉन्ड्स दैट हैड बीन द बेसिस ऑफ फ्यूडलिज्म वर वीकनिंग। अब पहले तो ये पर्सनल बॉन्ड्स को समझो, व्हाट आर पर्सनल बॉन्ड्स। तो पर्सनल बॉन्ड्स जो है ये बेसिकली इट वाज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ लॉर्ड एंड हिज वेसल, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ लॉर्ड एंड अ सर्फ, जो वहाँ पर काम करते थे और जो काम कराने वाले थे उनके बीच में एक बॉन्ड बनता था। उनके बीच में कोई पेपर वर्क भी होता था जहाँ पर जो है उस पीजेंट को ये लिख के देना पड़ता था कि मैं जो ये काम जो है आपके साथ करूँगा। तो वहाँ पर उस पर एक अथॉरिटी बन जाती, जैसे हमने इसे पहले भी डिस्कस किया, देवर हैविंग द जुडिशियल कंट्रोल ओवर देयर पीजेंट्स। तो वहाँ पर ये जो बॉन्ड्स थे इन्होंने बंद रखा था इन पीजेंट्स को किसी और जगह पर जाने के लिए। सो इन 11th सेंचुरी विद दीज चेंज हैपनिंग इन 11th सेंचुरी वी सी द पर्सनल बॉन्ड्स, जो ये बॉन्ड थे इससे पहले वो अब वीक हो रहे हैं, जो बॉन्ड्स हैं वो वीक हो रहे हैं, और ये बॉन्ड्स जो थे बेसिकली बेसिस ऑफ फ्यूडलिज्म थे। और यहाँ पर हम देखते हैं इट हैड एन डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म। क्यों, ये जो बॉन्ड्स यहाँ पर हम देख रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट था या जो लॉर्ड एंड वेसल की रिलेशनशिप थी, अब उसी पर सबसे बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर आ रहा है जो हम देखते हैं वीकनिंग ऑफ फ्यूडलिज्म। ठीक है, नाउ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिकम मनी बेस्ड। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक और चीज़ कि इससे पहले जो है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस किस तरह से होती थी, जैसे अगर हम बार्टर सिस्टम की बात करते हैं, बार्टर सिस्टम में हम एक्सचेंज ऑफ गुड्स करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप एक आपका एक लॉर्ड है और आप उसके वेसल है, और उसमें आपको क्या करना है, उनको जो वो जो भी आपसे करा रहे हैं तो आप रेंट जो उसको पे कर रहे हैं, यू पे दैट रेंट इन काइंड ऑफ सर्विसेज। आपके पास पैसे नहीं हैं, आप किस तरीके से वो पे कर रहे हो, आप सर्विसेज के तरीके से पे कर रहे हो। जैसे ये जो हम देखते हैं, अगर किसी के पास पैसे नहीं होते हैं तो वो कभी कभी हम कहते हैं ना मजाक में ही कि अगर किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पर अगर आपको फिर पे करने के लिए पैसे नहीं होते तो अब कहते हैं आप किसी को ढूंढो जो यहाँ पर बर्तन वर्तन साफ़ करें, तो इस तरह से हम मजाक में कह देते हैं ना। तो सर्विसेज पर वो काम करते थे,
ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं विद विद कमिंग ऑफ दिस कॉइनेज, जो ये कॉइनेज तो ऑलरेडी थी लेकिन इसका जो अब एबंडेंस में यूज़ होना स्टार्ट हुआ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन में, तो यहाँ पर हम देखते हैं इस वजह से ये जो मनी बेस्ड सिस्टम है, रेंट इन कैश अब नहीं, अब रेंट जो है वो कैश में दिया जा रहा है, नॉट इन सर्विसेज। अब यहाँ ये चीज़ चेंज हो रही है, अब आप सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, जिसके पास भी पैसा आ रहा है, जब इकोनॉमी डबल हो गई, इकोनॉमी ज़्यादा आ गई, तो आप वहाँ पर पे जो है कैश में कर रहे हो। नाउ यहाँ हम एक और चीज़ देख रहे हैं, ये इन चीज़ों की वजह से, ये जो आप देख रहे हो जो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हैं, इन सब चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है यहाँ पर, यहाँ पर एक और एक ऑर्डर इमर्ज हो रहा है। इससे पहले हमने तीन ऑर्डर्स को तो देखा, एक दो क्लर्जी है, नोबिलिटी है, और उसके बाद हमने पीजेंट्री को देखा, ये तीन ऑर्डर्स जो थे। लेकिन हम देखते हैं 11th सेंचुरी में एक फोर्थ ऑर्डर जो है उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, और उस ऑर्डर का नाम होता है, हम देखते हैं, न्यू टाउन्स एंड टाउन्स पीपल। अब हम ये जो है पीजेंट्री जो है, अब यहाँ पर प्रोडक्शन हो रही है, अब यहाँ पर आपके पास पैसे हैं, आप ट्रेड कर सकते हो, दूसरी चीज़ें कर सकते हो, तो आपने एक फोर्थ ऑर्डर की एस्टेब्लिशमेंट की, एंड दैट ऑर्डर इज़ द टाउन्स एंड टाउन्स पीपल। तो यहाँ हम टाउन्स जो है उसकी और जो टाउन्स पीपल है उनकी बात करने जा रहे हैं अब, कि इनमें क्या था बेसिकली। नाउ एक्सपेंशन इन एग्रीकल्चर वॉज अकम्पनीड बाई द ग्रोथ इन द थ्री रिलेटेड एरियाज। अब ये जो है ना एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो हुई है उसकी वजह से वी सी द डेवलपमेंट इन थ्री रिलेटेड एरियाज, तीन एरियाज में हम देखते हैं डेवलपमेंट हो रही है, किसकी वजह से, दिस एक्सपेंशन इन एग्रीकल्चर। नाउ यू कैन ट्रेस आउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस एक्सपेंशन इन एग्रीकल्चर, कितना इम्पॉर्टेंट है ये जो एग्रीकल्चर एक्सपेंशन उस टाइम हुआ था, कितनी राहत पहुंचाई है, कितना इसने उस वक्त जो लोग उस वक्त ऑपरेशन में थे, सप्रेशन में थे, उनको कितनी हेल्प की है टू गेट आउट फ्रॉम दैट ऑपरेशन, है ना। तो ये हम देखते हैं यहाँ पर एग्रीकल्चर में एक्सपेंशन की वजह से। अब एक्सपेंशन इन एग्रीकल्चर में कौन सी तीन चीज़ें हैं जो इसने बहुत ज़्यादा इफेक्ट की है या जिसमें ग्रोथ हम देखते हैं बहुत अच्छी है। सबसे पहली चीज़ जो है इसकी वजह से जो हुई, पॉपुलेशन में इंक्रीज होना, ट्रेड का फ्लोरिश होना और टाउन्स का बनना, दीज थ्री रिलेटेड एरियाज यहाँ हम देखते हैं एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर की वजह से, पॉपुलेशन, ट्रेड एंड टाउन्स। तो इन तीन चीज़ों की डेवलपमेंट हो रही है। नाउ अगर हम इस चीज़ को एस्टैब्लिश करें कि क्या पॉपुलेशन में किस तरह से यहाँ पर हम देखेंगे चेंज आ रही है, तो यहाँ पर हमारे पास जो एक फिगर है, तो हम देख रहे हैं पॉपुलेशन में, हम देखते हैं 10th या 1000 सी में हम देखते हैं यूरोप की पॉपुलेशन जो थी वो 42 मिलियन थी। नाउ विद इन 200 ईयर्स इन 12th सेंचुरी हम देखते हैं 42 मिलियन से ये 62 मिलियन तक पहुंच जाती है, एंड विद इन 1000 ईयर हम देखते हैं 1300 में हम देखते हैं 73 मिलियन जो है उसकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है। नाउ इंक्रीज किस वजह से हो रही है, यहाँ पर इसके मल्टीपल रीजंस हैं। एक रीज़न जो इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है वो ये है कि आप अब बेटर फूड प्रोवाइड कर रहे हो अपनी फैमिलीज़ को। इससे पहले फैमिलीज़ में क्या होता था, मॉल न्यूट्रिशन भी हो जाती थी, आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो पहले तो आप अपनी फैमिली को ही जो है लिमिटेड रखते थे, क्योंकि आपको फिर उनको खिलाने की जो है वो भी मसला हो जाता था। तो यूजुअली यहाँ पर हम देखते हैं आप फैमिली साइज़ बढ़ रहा है, आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्योंकि आपके पास खाने को अच्छा है, आपके पास पैसे आ गए हैं, तो इस वजह से आप अच्छा उनको दे पा रहे हो। तो यहाँ पर पॉपुलेशन में इंक्रीज हो जाए, ड्रेस्टिक चेंज हम देख रहे हैं पॉपुलेशन का राइज होना। नाउ ट्रेड में हम देखते हैं ट्रेड कैसे होता है, अब एग्रीकल्चर को ट्रेड से हम कैसे लिंक करेंगे। नाउ एग्रीकल्चर में जब आपके पास पैसे ज़्यादा आ जाते हैं, तो पैसे कैसे ज़्यादा आते थे, जिस लैंड पर इससे पहले आपको एक स्टूपुलेटेड अमाउंट या हम कह सकते हैं एक लिमिटेड अमाउंट मिलता था, अब उसी लैंड से जब आप प्रोडक्शन कर रहे हैं विद दीज न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज, तो उसकी प्रोडक्शन डबल हो गई है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप यहाँ पर कहूँ, ये जो ट्रैक्ट ऑफ लैंड है, यहाँ पर आपको 100 क्विंटल्स निकलते थे बार लेके, अब इसी से आप आपको निकल रहे हैं 200 क्विंटल्स। अब ये जो 100 है ना, जो एक्स्ट्रा यहाँ पर, इसको हम कहते हैं सरप्लस, ठीक है। ये जो सरप्लस अमाउंट है जो आपको एक्स्ट्रा यहाँ से आ रहा है, तो ये सरप्लस अमाउंट आप जो है आपकी एक आमदनी है, आपका प्रॉफिट है, तो इसको आप कहाँ इन्वेस्ट करोगे,
है ना, तो आप एवेन्यूज ढूंढोगे कि मैं इस एक्स्ट्रा अमाउंट को कहाँ पर इन्वेस्ट करूँ। तो इसको इन्वेस्ट करने के लिए हम देखते हैं ट्रेड में वो लगाते थे यूजुअली। अगर आपके पास पैसे होते हैं तो आप क्या यूजुअली, कोई यहाँ पर जिसके पास पैसे ज़्यादा आते हैं वो गाड़ी खरीदता है या दूसरे चीज़ों में बिजनेस स्टार्ट करता है या कोई और चीज़ जो है जैसे टूल्स वगैरह है उनको खरीदता है। तो इस यहाँ पर भी हम देखते हैं इन्होंने टूल्स, क्लॉथ्स या दूसरे जो इनके डेली रिक्वायरमेंट्स होते थे उनको यहाँ पर खरीदना स्टार्ट किया। तो इस वजह से दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड। आप देख रहे हो कि किस तरह से एग्रीकल्चर में जब आपके पास पैसे आ गए तो आप उन पैसों को उठा रहे और यहाँ से कुछ चीज़ें खरीद रहे, और वो जो चीज़ें आप खरीद रहे हो वो किसी दूसरी जगह से लानी है, तो वो इसने डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड में हेल्प की है एग्रीकल्चर एक्सपेंशन। नाउ दिस वाज अ सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ हम देख रहे हैं एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर की वजह से क्या हुआ था। नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज यहाँ अब टाउन्स की एस्टेब्लिशमेंट हो गई। नाउ टाउन्स की एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुई, टाउन्स भी इसी तरह से डेवलप हुए जैसे अब ये जो है पहली चीज़ जो है अब जो ये ना अगर आप कोई चीज़ खरीदना चाहते हो तो उसके लिए आपको कोई ना कोई जगह पर कोई जगह ढूंढनी है जहां पर आप उसको खरीदोगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये जो मार्केट प्लेसेस है वो डेवलप होना स्टार्ट हो गई। मार्केट प्लेसेस में जो डिफरेंट वेराइटीज़ होती थी तो वो अलग से एक अलग से कुछ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई जहाँ पर लोग जो है ख़रीदने के लिए जाते थे, जहाँ पर लोग जो चीज़ों को ख़रीदने जाते थे। तो यहाँ पर मार्केट प्लेसेस जब खड़ी हो गई तो वहाँ पर लोग जो है इम्पोर्टेंट नोबल्स या हम देखेंगे जो वहाँ पर जो इम्पोर्टेंट नोबल्स वहाँ पर होते थे या बड़े बड़े जो लोग होते थे वो जो है वहाँ पर रहना स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने के बाद हम देखते हैं वहाँ पर लोगों का इन्फ्लो ज़्यादा आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ हम देखते हैं एक तो बड़े जो रिच मर्चेंट्स थे वो यहाँ पर रहना स्टार्ट करते हैं, मार्केट प्लेसेस डेवलप हो रही हैं, और ये जो है यहाँ पर कुछ ऐसी कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं जिसकी वजह से डेवलपमेंट ऑफ टाउन स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन तो ये डिफरेंशिएट हो रहा है अब रूरल एरिया से टू बिकम एन अर्बन एरिया, तो अर्बन एरिया यहाँ पर बन रहा है, तो ये टाउन्स की डेवलपमेंट है बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन इन एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर ये चीज़ भी हमने देखी। अब यहाँ पीरियोडिक फेयर्स जैसे बड़े बड़े फेयर्स लगते हैं ना, मैंने स्मॉल वगैरह वनांच वो भी लगते थे किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे जहाँ पर बहुत सारे ये जो मर्चेंट्स या ट्रेडर्स आते थे वहाँ पर अपना जो स्टॉक होता था वो लगाते थे और लोग वहाँ पर खरीदते थे। तो ये और स्मॉल मार्केटिंग सेंटर्स वगैरह, तो इस वजह से हम देखते हैं पॉपुलेशन का इंक्रीज होना, ट्रेड का यहाँ पर डेवलप होना और टाउन्स का यहाँ पर बनना। दीज वेयर द थ्री रिलेटेड एरियाज, थ्री एरियाज वेयर विच वेयर impacted by the expansion of the agriculture. So this is very important point when we talk of the expansion in agriculture. Now in towns instead of services people paid a tax to the lord. ठीक है, serfs, हाँ serfs ran those towns also. ये हम आगे देखेंगे। पहली बात जो ये है जो हमने इससे पहले भी discuss की वो ये है कि इससे पहले क्या था, आपको जब जो टैक्स देना पड़ता था जैसे वो टैली का टैक्स हमने डिस्कस किया, टिथ का टैक्स डिस्कस किया, बहुत टाइम तक हम देखते हैं वो टैक्सेस जो है या तो आप सर्विसेज में उनको प्रोवाइड करते थे या आप काइंड में उनको प्रोवाइड करते थे जो आपके पास होते थे ग्रेन वगैरह। लेकिन अब इस पीरियड में जो है हम देख रहे हैं ये जो डेवलपमेंट ऑफ कॉइनेज या नई नई माइंस को यहाँ पर हम डिस्कवर कर रहे हैं, सिल्वर गोल्ड माइंस, तो वहाँ से हमें एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड ज़्यादा मिल रहा है, तो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स बढ़ रही हैं। तो इंस्टेड ऑफ गिविंग टैक्स इन काइंड ऑफ सर्विसेज नाउ पीपल प्रेफर टू पे दोज टैक्सेज इन कैश। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पीपल जो थे इंस्टेड ऑफ सर्विसेज पीपल पे टैक्स टू द लॉर्ड इन कैश। ठीक है, अब यहाँ पर कैश में हम देखते हैं लोग जो है इनको पे कर रहे हैं। नाउ यहाँ एक और जो इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर है पॉइंट आउट कर रहे हैं, सर्फ्स जो थे अब उनको भी मौका मिल रहा था, अब टाउन्स में थे जैसे एक शहर बन रहा है और शहर में जो है लोग आबाद हो रहे हैं और शहर में जो अपने काम ढूंढ रहे हैं वहाँ पर इसलिए भाग रहे हैं ताकि वहाँ पर कोई काम मिले उनको। अब एक और रीज़न फ्यूडलिज्म के डिक्लाइन का यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो सर्फ्स थे जो काम करने वाले होते थे पीजेंट लैंड्स पे वो अब यहाँ से भाग रहे हैं।
ये जो पीजेंट जहाँ पर उनको लग रहा था कि वी आर अंडर ऑपरेशन, वो वहाँ से भाग रहे हैं और दूसरी जगहों पर जा रहे हैं, और वहाँ पर ये हम देख रहे हैं यूजुअली टाउन्स को प्रेफर करें। और एक पॉइंट यहाँ पर था, या एक लॉ हम कह सकते हैं उस वक्त फ्यूडलिज्म में, फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी में था, रूल ये था कि अगर कोई सर्व एक साल और एक दिन के लिए फ्री रहता है और जो उसका लॉर्ड है वो उसको उस टाइम में डिस्कवर नहीं करता है, उसको नहीं ढूंढ पाता है, तो दैट सर्व बिकेम ऑटोमेटिकली अ फ्री मैन। तो वो फिर सर्व नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा, वो एक फ्री पर्सन बन जाएगा। तो ये भी ऐसे हम देखते हैं बहुत सारे सर्व्स जो है वो अब जो लोअर क्लास में होते थे, पीजेंट्री में होते थे, वो अब मास माइग्रेशन हम देखते हैं, वो अब भाग रहे हैं बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को देखने के लिए, कहाँ टाउन्स में जा रहे हैं। तो ये हम देख रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ टाउन्स यहाँ पर हो रहा है। नाउ ग्रेजुअली हम देखते हैं नई ऑक्यूपेशन जो है वो डेवलप हो रहे, नए नए काम जो हैं वो हम देख रहे हैं उनका डेवलप हो रहा है। तो इन चीज़ों की वजह से हम देख रहे हैं ये सब चीज़ें जो है ये अब एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है। अब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में हम देखते हैं कौन कौन से नए यहाँ पर सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट बन रहे हैं, वो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ग्रेजुअली शॉपकीपर्स, इसी तरह से मर्चेंट्स, या दोज हैविंग स्पेशलाइज्ड स्किल्स लाइक, या हम देख रहे हैं बैंकर्स है, लॉयर्स है, क्राफ्ट्स पर्सन है, यही सब जो है नई ऑक्यूपेशंस, नए लोग जो हैं अब ये टाउन्स में रह रहे हैं, दे फॉर्म्ड द फोर्थ ऑर्डर। और जो फोर्थ ऑर्डर हमने देखा टाउन्स एंड टाउन्स पीपल, तो टाउन्स एंड टाउन्स पीपल में बेसिकली यही ये जो क्राफ्ट्स पर्सन है, लॉयर्स है, रिच मर्चेंट्स हैं, शॉपकीपर्स हैं, या जो भी लोग विद हैविंग स्पेशलाइज्ड स्किल, वो सब इस फोल्ड में क्या आ रहे हैं, इस फोल्ड में आ रहे हैं। नाउ आपको ये समझ थोड़ा सा आ रहा होगा कि हम जो है एक शिफ्ट हो रहा है यहाँ पर, फ्रॉम ए फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी वेयर एवरीथिंग वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ए लॉर्ड, नाउ टू ए लिबरल सोसाइटी वेयर पीपल आर फ्री टू डू एनीथिंग व्हाट दे आर ऑट टू डू। तो ये यहाँ पर देख रहे हैं, दिस इज द चेंज हियर। तो यही हम कहते हैं फॉर्मड द फोर्थ ऑर्डर। तो यहाँ पर फोर्थ ऑर्डर बन रहा है। नाउ यहाँ पर कुछ और चीज़ें, यहाँ पर अब थोड़ा स्पेशलाइज, आप स्पेशलाइज्ड तरीके में जा रहे हो, अब वहाँ पर कुछ और चीज़ें भी हो रही है। नाउ क्या है वो और चीज़ें यहाँ पर, वो हम ये देख रहे हैं कि द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन वाज द गिल्ड। अब इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा इम्प्रूवमेंट ये हो रहा है कि यहाँ पर गिल्ड सिस्टम बन रहा है। अब गिल्ड क्या है बेसिकली, गिल्ड को आपको याद रखना, इट्स बेसिकली एसोसिएशन ऑफ ऑफ ए पर्टिकुलर, हम कह सकते स्किल है, या ऑफ ए पर्टिकुलर ऑफ ए पर्टिकुलर क्राफ्ट है। तो यहाँ पर गिल्ड सिस्टम बन रहा है। गिल्ड क्या है, ईच क्राफ्ट या इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज्ड इनटू गिल्ड। गिल्ड को आप लिटरल सेंस में एसोसिएशन भी कह सकते हो, जैसे हमारे पास हर एक हम क्राफ्ट या हर एक इंडस्ट्री की एक एसोसिएशन होती है ना, जैसे किसी हम देखते हैं ट्रेडर्स एसोसिएशन यहाँ पर कश्मीर में भी है, इसी तरह से हर एक ट्रांसपोर्ट की अलग से एसोसिएशन है, डॉक्टर्स की अलग है, टीचर्स की अलग है। तो वो क्या कर रहे हैं वहाँ पर, रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन सारे जो उस फोल्ड में जो आ रहे हैं, उस एसोसिएशन में जो आ रहे हैं, जिनके लिए वो बनाई गई हैं, वो उसको बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनमें जो है उनके उनमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब कोई भी कोई डिस्प्यूट होता है इन चीज़ों में, तो वहाँ पर वो रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। इसी तरह से यहाँ हम देख रहे हैं गिल्ड सिस्टम बन रहा है, और वो रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, जो भी क्राफ्ट है इंडस्ट्री में है तो वो इस गिल्ड में दिखा रहे हैं। नाउ 11th सेंचुरी में, हाँ, कंट्रोल द क्वालिटी, हाँ, इनका क्या काम होता था, एक और चीज़ जो यहाँ पर है कि गिल्ड सिस्टम जो ये बना रहे थे, अब ये एक एसोसिएशन है, एक बॉडी बना रहे हैं इन्हीं क्राफ्ट्स पर्सन की, जिनमें से एक एक मेंबर हम कह सकते हैं ले रहे थे, इनके कुछ काम होते थे। अब ये टाउन्स में हम बात कर रहे हैं, इनमें जो क्वालिटी, इनमें जो प्रोडक्ट्स आते थे, पहला काम जो इनका होता था वो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट चेक करना, जो भी काम हो रहा है, जो भी वहाँ पर बन रहा है उसकी क्वालिटी को असेस करना, उनको देखना। दूसरा, उनके प्राइस और उसकी सेल को हम देख रहे हैं, उसको भी देख रहे थे कौन, ये गिल्ड जो है वो इनका काम था। और उसके साथ साथ ये हर हम देखते हैं हर टाउन में वहाँ पर एक गिल्ड हॉल बनाया जाता था। गिल्ड हॉल का मकसद ये होता था जहाँ पर जो ये जो पर्सन्स होते थे गिल्ड को रिप्रेजेंट करने वाले, फॉर्मली वहाँ पर मीट करते थे, और जो भी वहाँ पर कोई इश्यूज होते थे उनको वहाँ पर एड्रेस डिस्कस करते थे। नाउ यहाँ हम देखते हैं 11th सेंचुरी में न्यू ट्रेड रूट्स,
new trade routes with West Asia develop, trade flourished in France also. यहाँ हम दो चीज़ें और देख रहे हैं, 11th सेंचुरी में ही हम देख रहे हैं कि 11th सेंचुरी में नए ट्रेड रूट्स भी आपको मिल रहे हैं। जब आप इससे पहले अपना जो माल है वो किसी नेबरिंग कंट्री को या नेबरिंग रीजन को ही दे रहे थे, नाउ यहाँ हम देखते हैं स्कैंडिनेवियन, हम देखते हैं नया रूट जो नॉर्दर्न साइड से उसका रीजन है वहाँ पर नॉर्थ यूरोप में अपनी चीज़ों को बेच रहा है। इसी तरह से हम देख रहे हैं फ्रांस में डेवलपमेंट हो रही है ट्रेड सिस्टम की, तो ट्रेड जो है यहाँ पर न्यू रूट्स की वजह से फ्लोरिश हो रहा है। तो इस फ्लोरिशमेंट, ये जो फ्लोरिश हो रहा है यहाँ पर ट्रेड, इस वजह से भी जो उनकी लाइफ है, उनका लाइफस्टाइल है, वो एक उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। नाउ टाउन मर्चेंट्स बिकेम रिच एंड पावरफुल एंड दे चैलेंज द पावर ऑफ द नोबिलिटी ऑल्सो। तो ये यहाँ पर हम देख रहे हैं एक और यहाँ पर रीज़न देख रहे हैं डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म का, वो ये है जब ये जो अब नए रूट्स भी आ रहे हैं यहाँ पर और डेवलपमेंट ऑफ टाउन्स या हम देखते हैं ट्रेड का फ्लोरिश होना, ये सब चीज़ें जो है ना, इससे क्या आएगा, इससे आपके पास ज़्यादा पैसे आएंगे, आप ज़्यादा अमीर होंगे, आपके पास ज़्यादा बुलियन आएगा। जब आपके पास पैसे ज़्यादा आ रहे हैं तो ये जो है ये किस चीज़ में आपकी हेल्प करेगा, आप ज़्यादा अथॉरिटेटिव, आपके पास अब थोड़ी सी अथॉरिटी बनेगी। जब आपके पास पैसे हैं आप जो है लैविश लाइफ ज़िंदगी जो है बसर करना स्टार्ट करोगे, आपके पास अलग से एक पैलेस होगा, आपके दूसरी जो ज़रूरियात होगी वो आप फुलफ़िल कर पाओगे। तो ये चीज़ जो है जब ये डेवलपमेंट हो रही है, अब ये राइवलरी स्टार्ट हो रही है किन के बीच में, जो इससे पहले जो सिंपल जो है अपना गुजर बसर करते थे, अब वही जो है उनके लिए एवेन्यूज़ बढ़े हैं और वो ट्रेड स्टार्ट कर रहे हैं। अब उनकी और जो नोबिलिटी, जो एक क्लास था, नोबल क्लास था, जो इससे पहले एन्जॉयड द स्पेशल प्रिविलेज, अब उनके बीच में राइवलरी स्टार्ट हो गई, या हम कह सकते हैं जो ये रिच मर्चेंट्स हैं वो अब ओवरशैडो कर रहे हैं, वो अब उनकी उन जो नोबिलिटी का जो एक दबदबा था उस दबदबे को ख़त्म कर रहे हैं। कौन जो नए रिच मर्चेंट्स आ रहे हैं, नोबिलिटी जो सेकंड इन ऑर्डर थे, जिनके पास बहुत ज़्यादा पावर था उस टाइम पे, अब यहाँ से एक अल्टरनेट पावर या अल्टरनेट सिस्टम खड़ा हो रहा है टाउन्स का, तो वहाँ पर नोबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। ठीक है, ये हम देख रहे हैं बेसिकली इस आज के जो लेक्चर में हमने देखा, ये बेसिकली क्या इम्पैक्ट पड़ा है जो न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ थी उसकी वजह से, कौन से यहाँ पर फैक्टर्स पड़े, कौन से यहाँ पर चेंजेस आए हैं। नाउ इससे क्या हो गया, बेसिकली फ्यूडलिज्म का एक डिक्लाइन हम देख रहे हैं। और एक और चीज़ जो हम यहाँ पर डिस्कस देखेंगे, ये बेसिकली है कैथेड्रल टाउन्स का, कैथेड्रल टाउन्स, तो ये एक और किस्म के टाउन्स हम देखते हैं, कैथेड्रल टाउन्स। तो ये कैथेड्रल टाउन्स जो है ना, ये आप देख रहे हो यहाँ पर लेटर पीरियड में 11th-12th century में डेवलप हो रहे हैं। अब ये कैथेड्रल्स क्या है, कैथेड्रल्स बेसिकली है, इनको हम कह सकते हैं ये जो चर्च है ना, बिग चर्च या लार्ज चर्च जो है ना, ये बन जा रहे हैं यहाँ पर इस पीरियड में। ठीक है, अब ये जो है ना, अब जो लार्ज चर्चस है वो बन रहे हैं यहाँ पर, और उनमें जो है ये कौन इनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, बेसिकली ये जो रिच मर्चेंट्स हैं वो अब यहाँ पर अब अपने एरियाज़ में, एक तो चर्चेस ऑलरेडी थे, अब बड़े बड़े कैथेड्रल्स बनाए जा रहे हैं, जो आपकी बुक पर भी आप देख सकते हो, तो वहाँ पर जो बड़े हॉल्स बना रहे हैं, जैसे वहाँ पर एक बड़ा सा हॉल होता है, इस तरह से डेवलप किया जाता था ताकि वो हॉल में जो प्रीस्ट यहाँ पर प्रे करें, तो हॉल में जो है इस तरह से उसकी उसका आर्किटेक्चर बनाया गया था, तो हर एक जो यहाँ पर है वो उसमें सुन पाए। और उसमें एक और चीज़ जो आज भी हम देखते हैं वो सिंगिंग है, या हम कहते हैं बेल का सिस्टम है, जो यहाँ पर बेल लगाई जाती थी बाहर, जैसे अगर आपने देखा होगा ये जो बेल लगाते हैं, तो सुबह अगर ये जो प्रे करते हैं वहाँ पर, सुबह ये बेल वहाँ पर बजाते हैं, तो जो भी उस रीजन में होते हैं उनको पता चले कि यहाँ पर प्रेयर स्टार्ट होने वाली है। तो कैथेड्रल टाउन्स का भी यहाँ हम देखते हैं स्टार्ट हो जाता है इस टाइम पीरियड में। नाउ दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, जो हमने आज देखा कि इम्पैक्ट ऑफ द एग्रीकल्चर एक्सपेंशन ऑन द सोसाइटी। इन आर नेक्स्ट लेक्चर विल बी डिस्कसिंग मोर अबाउट द 3 ऑर्डर्स। टिल देन यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम।